स्ट्राइक रेट पे बात होगी। स्ट्राइक रेट पे बात क्या होगी कि राजस्थान रॉयल्स के तीन बल्लेबाजों ने 160 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, वहीं पे आरसीबी के पास एक ही बल्लेबाज था जिसका स्ट्राइक रेट 156 का था, बाकी किसी और बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ऊपर था ही नहीं। यहां तक के फाफ डुप्लेसी ने 33 गेंदे खेले उसके बाद भी 150 का स्ट्राइक रेट पार नहीं कर पाए, एक वो गलती। दूसरा, आरसीबी क्या कर रही है, अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रही है। महिपाल लोमरो यहीं पे खेलते, राजस्थान की पिच पे खेलते जानते, लेकिन वो टीम में नहीं है जबकि वो अच्छा करते हुए आ रहे थे। तो ये तो फिर वो कोचेज जो है ना, जो बाहर के कोचेज आते हैं जिन्हें वो छोटी छोटी चीजें इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की पता नहीं है, वहां पे वो गलती कर जाते। इसी वजह से मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं कि अच्छे इंडियन कोचेज आईपीएल में होना बेहद जरूरी है। और दूसरा, करण शर्मा का एक्सपीरियंस है वो आप लेके नहीं आ रहे, हिमांशु को आप लेके आए। सामने एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे दो स्पिनर तो 300 से ज्यादा विकेट है अश्विन और चहल के पास, यहाँ पे आपके पास मुश्किल से 20 विकेट भी नहीं है एज ए स्पिनर, तो आपको दिक्कत होगी। ये गेंदबाज नहीं है जिसके लिए आरसीबी कह सकती है कि ये मुझे आएगा और मुश्किल टाइम पे विकेट लाके देगा, ये बड़ी समस्या है, जल्दी से उसे ठीक करना होगा, वरना वही कहानी होगी जो हर साल होती है आरसीबी के लिए।